నియంత్రణ లేని డిపాజిట్ స్కీమ్ బిల్ 2018 పైన లోక్సభలో దుమారం చెలరేగింది. ఈ విషయంపై మాట్లాడిన కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ బెంగాల్లో పేదలు సామాన్యులు చిట్ఫండ్ స్కామ్తో నష్టపోయారన్నారు. వారిని నిరోధించడానికే అలాంటి డిపాజిట్ స్కీమ్లను నిరోధించాలన్నారు. అటు సిపిఎం ఎంపీ సలీం కూడా తృణమూల్ నేతలపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. చిట్ఫండ్ స్కామ్ డబ్బుతోనే మమత బెంగాల్ సీఎం అయ్యారని విమర్శించారు. मैडम स्पीकर, मुझे लग रहा है ये जो आज का दृश्य है ये अपने आप पे दिखा रहा है कि शायद ये लोग नहीं चाहते कि देश के गरीब, देश के छोटे जो निवेशक हैं, वो जब गलत पैनी में आके चिटफंड में डाल देते हैं पैसा, उनका प्रोटेक्शन हो, उनके लिए संरक्षण हो और उनका पैसा बचाया जाए. कि ये लोग गरीब लोग होते हैं, पिछड़े लोग हैं, किसान हैं, इनको नुकसान होता है और उस नुकसान को रोकने के तहत ये बिल पे सबकी सहमति थी. ये स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के तहत ये चर्चा आज होके पारित किया जाएगा. ये निर्णय कल सभी दलों ने मिल के लिया था. मैं आपसे और सदन से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पास करें और देश के गरीबों को ये संरक्षण दे कि कुछ लोग और कुछ पार्टियों के प्रमुख नेता जो गलत प्रकार के काम करते हैं उन सब पे रोको. और आज की ये जो दृश्य है ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि कौन सी पार्टी और कौन से नेता चिटफंड को सपोर्ट करते हैं, कौन सी पार्टी और कौन से नेता चिटफंड के सारे गरीब निवेशकों को नुकसान पहुंचाते और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई मोदी सरकार करेगी. ये सरकार इस प्रकार के गलत कामों को कभी होने नहीं देगी. मुझे यहाँ से बोलने का इजाजत दिया जाए क्योंकि जब भी चिटफंड या ये पोंजी स्कीम का मामला आता है कुछ लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और ये हम बंगाल से आए हुए हैं और हमारा अनुभव है. और आज भी आप देखेंगे चाहे सदन के अंदर हो चाहे सड़क में हो, खास करके हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो चीट फंड के पैसे से ही मुख्यमंत्री बनी है. और यहाँ ऐसे बहुत से सांसद हैं जिनको जेल में रहना चाहिए था. हजारों लाखों गरीब लोगों का पैसा, चाहे वो विधवा माँ हो, चाहे वो हॉकर हो, चाहे वो किसान हो, उनका पैसा इकट्ठा करके ये लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ करप्ट लोग रहते हैं लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस करप्ट लोगों की पार्टी बनी है और उसमें कुछ लोगों को जुगाड़ किया गया है. हम पिछले 17 साल से कहते आ रहे हैं, आज पूरे देश को मालूम हो ये स्कीम को बैन करने के लिए 2002 में बंगाल के वामफ्रंट सरकार जब एनडीए की हुकूमत थी तब ये बिल हम बनाए थे बंगाल में. लेकिन चूंकि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के साथ वाजपेयी जी की सरकार में थी इसलिए केंद्र सरकार उस बिल में एक्सेप्शन नहीं दिए.